मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर विवादित बयान दिया है। मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि अपने यहां तो देवता भी शराब पीते थे, मैंने खुद मृत्युंजय में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तब राजाओं ने घोषणा की थी कि आयुध और शराब निर्माता अपना उत्पाद बढ़ाएं, ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है। शराब शुद्ध मिले और लिमिट में पिए, ये आत्म अनुशासन तो खुद को बनाना पड़ेगा। शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन चूंकि शराब अपने अर्थव्यवस्था का एक अंग बन चुकी है और मूल उसका मंत्र है कि आप शराब पिए तो सीमा में, असीमित शराब पीने से नुकसान होता है। अपने यहाँ देवता भी शराब पीते थे, सुरा का पान करते थे। जब महाभारत का युद्ध की घोषणा हुई तो समस्त राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में ये घोषणा की कि आयुध निर्माता और शराब निर्माता ये अपना उत्पादन बढ़ाएं। तो दिस इज व्हाट इज सिंस एंशिएंट टाइम्स। चौधरी मुकेश चतुर्वेदी के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राम और धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन इसके उलट सरकार को ये अंदाजा ही नहीं है कि उनके नेता सोचते क्या हैं। ये कहना तो बहुत ही गलत बात है कि देवी देवता शराब पीते थे। इनके पास कौन सा उदाहरण है, कौन सा इतिहास है कि देवी देवता पीते थे? मान्यता है, सोच है लोगों का, अंदाज है लोगों का। इस मुद्दे पे वो भ्रम में है, उनको अंदाजा नहीं है लोग चाहे जो बयान दे रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी सरकार को अब लोग पहचानने लगे, इसलिए ये भ्रमित सरकार है। लोगों का वोट प्राप्त करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ग्वालियर से वैभव शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, बड़ा ही आपत्तिजनक बयान इस माना जा सकता है जो मुकेश चौधरी ने दिया है कि शराब तो देवता भी पीते थे, दूसरा शराब को उन्होंने राजस्व के लिए अभिन्न अंग माना है, तीसरा ये कि जब सरकार एक तरफ शराब को लेकर जो आदेश आयुक्त जारी करते हैं उसको निरस्त कर देती है, उधर सरकार में ही जो बीजेपी के नेता हैं वो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं सरकार के लिए। बिल्कुल, एक देखिए पिछले दो दिनों से ये पूरा मसला गरमाया हुआ है। खासतौर पर देखिए, जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया कि नई शराब की दुकान खोलकर अवैध शराब की बिक्री को कम किया जा सकता है, उसके बाद मुख्यमंत्री सामने आते हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को जो है नगण्य बताया, कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। उमा भारती आती हूँ, तारीफ करती हूँ, आज जब खुद उमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहती हैं कि मैं शराबबंदी के समर्थन में हूँ। और देर रात जब आदेश जारी करते हैं आबकारी आयोग जिले भर के कलेक्टरों के लिए प्रदेश भर के, तो उसके बाद खलबली मस्ती है और आनन फानन, देखिए आदेश निरस्त भी हो जाता है। अब उन सब के बाद जब जो बीजेपी के प्रदेश नवनियुक्त किए गए हैं चौधरी मुकेश चतुर्वेदी, वो इतने उत्साह से लवरेज थे कि उनसे जब शराबबंदी या शराब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी परंपरा है, पुरातन काल से ये चला रहा है कि देवी देवता भी शराब पीते थे। तो ये देखिए अजीब सा तर्क उन्होंने कहा है, तो एक तरह से विवादित बयान उन्होंने दिया जिसका मौका भी जो है कांग्रेस ने लपका है। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं वालेंद्र शुक्ल, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने प्रमाण मांगा है कि आप उदाहरण बताइए, कौन सा उदाहरण है, कौन से देवता शराब पीते थे, ये केवल मान्यताएं हैं, केवल किंवदंतियां हैं। तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरह की शराब को लेकर प्रदेश भर में हल्ला मचा हुआ है और ऐसे में इस तरीके का बयान आना जो बीजेपी के नेता की तरफ से, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। देखिए खासतौर पर बीजेपी जो मुकेश चतुर्वेदी हैं आज ग्वालियर आए थे, नए नए प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, बड़े गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया था आज ग्वालियर में। उसी ब्याप पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो अति उत्साह में उन्होंने ये बात कह डाली कि देवता भी शराब पीते थे, हालांकि उनके पास ये प्रमाण नहीं होगा, वो खुद बता रहे हैं कि मैंने मृत्युंजय जाप किया था, उसमें मैंने पढ़ा। अब सवाल ये है कि शराब को लेकर सरकार की जो सोच है वो स्पष्ट नजर तो नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, उमा भारती जो बीजेपी में सीनियर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, वो कुछ कहती हैं, गृह मंत्री कुछ कहते हैं और दूसरे बाकी नेता कुछ और कह रहे हैं, तो बीजेपी खुद स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि शराब को लेकर राय क्या रखें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक गफलत की स्थिति बनी हुई है पिछले दो दिनों से। जब शुरुआत में वित्त मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये बात कहते हैं कि शराब की, अगर अवैध शराब को रोकना है, इसके विक्रय को रोकना है, तो नई शराब की दुकानें खोल दीजिए, उसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद जब खुद मुख्यमंत्री ने आकर स्पष्ट कर दिया, आबकारी मंत्री ने आकर स्पष्ट कर दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे चर्चा में नहीं है, तब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती, उन्होंने आकर इस बात की तारीफ की। लेकिन जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं वो अपने बयान पर अड़े रहे, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कायम हूँ अपने बयान पर, ये मानता हूँ
कि अगर अवैध शराब की बिक्री रोकनी है तो कहीं ना कहीं नई दुकानें खोलनी पड़ेंगी। तो ये पूरा जो बमंडर एक तरह से सियासी भूचाल मध्य प्रदेश की सियासत में खड़ा हुआ था, उसका कहीं ना कहीं आज जो जब आदेश निरस्त किया गया, आपका रिएक्ट जो आदेश निकाला था, तो कहीं ना कहीं पटाक्षेप करने की उसकी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद सवाल यही है वैभव कि देश के कई राज्यों में बीजेपी शराबबंदी की मांग करती है जब विपक्ष में होती है। हम छत्तीसगढ़ में लगातार इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। दूसरा, बिहार में शराबबंदी है जहां बीजेपी के सहयोग से ही सरकार चल रही है एनडीए की। गुजरात में शराबबंदी है जहां बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग की जा रही है। तो बीजेपी अलग अलग राज्यों के हिसाब से अपनी अलग अलग सोच कैसे रख सकती है, ये भी तो आम जनता के बीच एक संदेश आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों के साथ ये स्थिति कमोवेश यही है। बीजेपी जहां शराबबंदी का मुद्दा जब विपक्ष में थी पिछले डेढ़ साल तक, तब ये उठाती रही। अब कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही, जबकि जब कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी जाती है कि छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में ऐसे विचार क्यों लागू नहीं की जाती या शराबबंदी क्यों लागू नहीं की जाती, तो वो मौन हो जाते हैं। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, शराबबंदी करना इतना आसान नहीं है। जहां तक बिहार की बात, देखिए बिहार में भी शराबबंदी के बाद भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई थी। उन सब के बावजूद भी शराबबंदी करना इतना आसान नहीं, ये दोनों ही पार्टियां अच्छे से जानती हैं। लेकिन सियासी जो बातचीत है या सियासी बयानबाजी है, वो शराबबंदी हमेशा सियासत के केंद्र में रही है। अब मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, देखिए दो दिन से ये पूरा मसला चल रहा था, ऐसे में जब आबकारी आयुक्त ने एक आदेश निकाल दिया, उसके बाद से सियासी जो भूचाल है और अब वैभव एक सवाल और है, एक सवाल और, चूंकि जो चौधरी मुकेश जी ने जो कहा कि शराब लिमिट में पिए तो इससे नुकसान नहीं होता है, जबकि ऐसी कोई भी शराब की बोतल उठा के आप देख लीजिए, उसमें साफ साफ वैधानिक चेतावनी भी होती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी के नेता शराब पीने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है विवेक, आप सही कह रहे हैं। हर बोतल पे लिखा रहता है नियरेस्ट टू हेल्थ, यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद अगर बीजेपी के नेता इस बात को कहते हैं कि शुद्ध शराब पीजिए, सीमित पीजिए, तो कहीं ना कहीं ये इशारा उस तरफ जरूर है। वो साफ तौर पर ये क्यों नहीं कहते कि शराब मत पीजिए, आप शराबबंदी के समर्थन में? क्योंकि शराब कांड जो उमरनाम हुआ, उसके बाद स्थितियां बहुत बदल गई मध्य प्रदेश में। 28 लोगों, करीब 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार का ये फैसला, नई शराब दुकानें खोलने का जो प्रस्ताव आया, या कहें कि इस तरह का आदेश निकाला, वो कहीं ना कहीं विवादित था। और बिल्कुल, अब सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये गफलत की स्थिति क्यों बनी हुई है? प्रशासनिक अमला अलग आदेश निकाल देता है, मंत्री अलग कहते हैं, सरकार अलग मानकर चल रही है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।